मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास में जो हमने कंप्यूटर में चैप्टर फोर्थ के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए हुए थे, ब्रेन जिन स्टार्ट किया हुआ था हमने, इसका ए सेक्शन किया था। आपका जो फोर्थ चैप्टर है फॉर्मेटिंग इन वर्ड 2010, इसको रीडिंग करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे ए सेक्शन स्टार्ट कराया था। अब हमें बी एंड सी सेक्शन करेंगे, अपना बुक वर्क फिल करेंगे इसका कम्प्लीट। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर निकालना है, 50 पेज नंबर आपको निकालना है। उसमें आपको फर्स्ट जो दिया हुआ है बी सेक्शन का, फर्स्ट द टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट इज एडेड यूजिंग एरियल फॉन्ट। जो हमारा टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है, हमारा फॉन्ट हमने जैसे कि ये लिखा है, ये हमारा क्या है, फॉन्ट है। अब जो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यानी जो पहले से आता है फॉन्ट, ठीक है, उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, एरियल। तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, ट्रू। यहाँ की क्या फिल करेंगे हम, ट्रू, TRUE, ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड है टेक्स्ट कलर कैन बी चेंज एज नीडेड, टेक्स्ट कलर को हम जैसा चाहें वैसा कलर दे सकते हैं, ये क्या है स्टेटमेंट, ट्रू। जैसा कलर हम देना चाहते हैं वैसा कलर हम दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड है वी कैन नॉट अप्लाई बोल्ड एंड इटैलिक इफेक्ट टुगेदर ऑन द सेम टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स, क्योंकि हम एक साथ बोल्ड और इटैलिक दोनों लगा सकते हैं एक ही टेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है द अलाइनमेंट बटन्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम फॉन्ट ग्रुप, जो अलाइनमेंट बटन्स होते हैं उनको हम फॉन्ट ग्रुप में से लेते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, रोंग है। क्योंकि अलाइनमेंट ग्रुप को हमेशा आपको याद रखना है कि अलाइनमेंट ग्रुप कहाँ से मिलता है, पैराग्राफ ग्रुप में से, ठीक है। तो वो फॉन्ट ग्रुप में से नहीं मिलता है, पैराग्राफ में से मिलता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है वी कैन चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट विदाउट रिटाइपिंग इट, जो केस होते हैं यानी अपर केस, लोअर केस, टोगल केस, मैंने ये सब आपको पढ़ाए थे, तो इन केस को हम दोबारा बिना टाइपिंग किए, यानी जैसे कि यहाँ से ये देखिए, आपको ये पूरा कंप्लीट, ये वाली लाइन आपको सारी कैपिटल वर्ड में लिखनी थी, जो ये पहली लाइन है। तो हम क्या, अब क्या सोच रहे हो, आपको जैसे आपने पेन से लिख ली तो आपको दोबारा इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेन से लिखने का ये नहीं है कि आप कंट्रोल जेड से या किसी भी चीज़ से आप इसको सही कर सकते हो। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर आपने ये लाइन, जो ये लाइन का केस चेंज करने, यानी इन सबको अपर केस में करना है, सबको कैपिटल लेटर करना है, तो क्या करेंगे हम, बिना टाइपिंग किए जो हमारे केस का ऑप्शन होता है चेंज केस का, वहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू, TRUE, ट्रू, ठीक है। उसके बाद सिक्स स्टेटमेंट है द लिस्ट आइटम्स अपीयर विद अ सिंबल इन बुलेटेड लिस्ट, जो हमारी बुलेटेड लिस्ट है, मैंने दो टाइप की लिस्ट आपको बताई थी, एक बुलेटेड लिस्ट होती है और एक नंबर लिस्ट। तो जो बुलेटेड लिस्ट में क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं, सिंबल्स, और नंबर लिस्ट में क्या होते हैं, नंबर्स और अल्फाबेट्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। उसके बाद ये सी सेक्शन है, आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द क्लूज गिवन इन द क्लू बॉक्स, यहाँ पे इनको ये हमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन ब्लैंक्स को फिल करना है क्लू बॉक्स की हेल्प से। अब जो फर्स्ट है आपका वो है, यहाँ देखिए, चेंजिंग फॉन्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज काइंड ऑफ, जब हम किसी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कौन सी फॉर्मेटिंग कहलाती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ क्या फिल करोगे आप, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप, जो लाइन स्पेसिंग यानी जैसे लाइन के बीच में गैप लेते हैं ना, मैंने आपको सिखाया था, वो लाइन स्पेसिंग जो ग्रुप वो होता है, ऑप्शन होता है, वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, पैराग्राफ ग्रुप में, कहाँ पे, पैराग्राफ, PARAGRAPH, ठीक है, पैराग्राफ बुक, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डैश इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी कि टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं कीबोर्ड में शॉर्टकट की यूज़ करके, तो वो क्या होती है, Ctrl+UCTRL+U से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमें कीबोर्ड के नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे पहले माउस से, उसके बाद
कीबोर्ड से पहले हम कंट्रोल और फिर उसके बाद यू दबाएंगे तो कीबोर्ड के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यानी वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द लिस्ट विच शोज द आइटम्स इन सीक्वेंस ऑर्डर इज नोन एज, जब कौन सा, जब हम आइटम्स जो होते हैं हमारे उनको हम सीक्वेंस ऑर्डर में लगा देते हैं तो वो क्या बोला जाते हैं, नंबर टेक्स्ट, क्या बोले जाते हैं, नंबर्ड, NUMBERED, नंबर टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डैश ऑप्शन इज यूज टू शो द सेलेक्टेड टेक्स्ट अबो द नंबर, सॉरी नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे जब हम, जैसे कि मैंने ये लिखा O2, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा तो O के नीचे मैंने 2 लिखा है, ये अबो, या फिर मैं ऊपर लिखना चाहती हूँ अबो या बिलो में कुछ लिखती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 12th लिखा, अब इसका मैं TH ऊपर लिखूँगी, अबो लिखूँगी, अगर मैंने बिलो लिखना और एक ऊपर लिखना, ये दो हमारे जो हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, नीचे लगाना बिलो में, और सुपरस्क्रिप्ट का क्या होता है, ऊपर लगाना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट, SUPERSCRIPT, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद सिक्स है, डैश ऑप्शन शोज द टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, हमारा जो ये ऑप्शन है वो हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, यानी इधर और इधर दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस होता है और यहाँ से बिल्कुल सीधा जो है पैराग्राफ लिखा हुआ आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जस्टिफाई। मैंने आपको जस्टिफाई बताया था, जस्टिफाई लेफ्ट एंड, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, JUSTIFY, जस्टिफाई, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर और जस्टिफाई, ये हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं अलाइनमेंट के। तो यहाँ पे आपको ये फिल करने हैं दोनों में। अब ये PNC आपका बुक वर्क हो गया है, अब हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैं आपको इधर से ही कराऊंगी, आप सबको ये याद रखना है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं सभी बच्चों को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डी, इधर डी में वो है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स इन MS Word, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर क्या है MS Word के अंदर। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, जिसमें हम फॉर्मेट करते हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, आपको भी अपनी नोटबुक में क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स हेल्प्स टू FETURES फीचर्स हेल्प्स टू चेंज HELPS हेल्प्स टू CHANGE helps to change appearance and arrangement APPEARANCE appearance and arrangement ARRANGEMENT appearance and arrangement of contents in the text of content in the text document CUMENT in the text document it has to change standard it HELPS it helps to change 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 standard 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 ST यहाँ पे आपको स्पेलिंग ठीक लिखनी है इसकी STANDARD standard setting as needed in the text formatting ठीक है, as needed in text formatting। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो text formatting होती है वो एक ऐसा feature होता है जो कि